नमस्कार, अखंड ज्योति क्लासेस से मैं ओपी श्रीवास्तव हिंदी भाषा व्याकरण पर हम एक विस्तृत श्रृंखलाबद्ध अध्ययन लेकर के आए हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हिंदी भाषा के व्याकरण की बारीकियां बताई गई हैं। तो इस लंबी श्रृंखला के प्रथम कड़ी अर्थात प्रथम भाग में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख जो भाग हैं, इसके जो प्रमुख स्तंभ हैं, सोपान हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे इस श्रृंखला की जितनी भी कड़ियाँ, जितने भी भाग हम जब YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा में लिखा गया है कि व्याकरण वह ज्ञान या शास्त्र है जो विभिन्न नियमों को आधार मानकर किसी भी भाषा के शुद्ध शुद्ध लेखन एवं उच्चारण का बोध कराता है। इसका आशय यह है कि व्याकरण एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान है, या इसको हम शास्त्र कह लें, यह विभिन्न प्रकार के नियमों को आधार मान करके और भाषा चाहे कोई भी हो, उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का, लेखन में लिखा गया है, लेखन अर्थात लिखने का कार्य, उच्चारण यानी उसको शुद्ध शुद्ध लिखने का कार्य और उसे शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का कार्य, यानी किसी भाषा को अब हम शुद्ध रूप से लिख सकें जिसमें त्रुटियां ना हो और उसी तरह से शुद्ध रूप से उसका हम उच्चारण भी कर सकें, उच्चरित भी कर सकें सारे शब्दों को। तो इस चीज को, ऐसा विशिष्ट ज्ञान को जो चीज हमें देने वाला है उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसी तरह से आगे हम देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ ग्रामर, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रामर या व्हाट्स ग्रामर। तो डिफिनेशन ऑफ ग्रामर में लिखा गया है ग्रामर इज द नॉलेज और स्क्रिप्चर विच गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी लैंग्वेज बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल्स। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिभाषा हमने हिंदी में पढ़ा वही परिभाषा हमारा इंग्लिश में भी कह रहा है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, दोनों की धाराएं एक ही तरफ जा रही हैं, दोनों एक ही चीज की को परिभाषित कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में कहा कि ग्रामर इज द नॉलेज और स्क्रिप्चर, कि यह एक ऐसा ज्ञान या शास्त्र है विच गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अर्थात हमें समझदारी देता है, हमें ज्ञान देता है, हमारे अंदर एक ऐसा ज्ञान विकसित करता है कि हम किसी भी भाषा को
एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, हम शुद्ध रूप से उसकी राइटिंग कर सकें या लिख सकें और उसका शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकें। और ये सारा काम हम कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल्स। यह हमें सिखाता है कि विभिन्न नियमों को आधार मान करके हम इस कला को सीखेंगे। तो इस तरह से हमने व्याकरण की परिभाषा आपको बताया, दोनों का आशय स्पष्ट किया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्याकरण अगर है तो इसके कितने भाग हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जिस प्रकार से कोई भवन हो, उस भवन को, बंगले को, सामान्य छोटे से घर को भी या बृहद घर को भी बनाया जाता है तो उसमें उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, उसी पे वो मकान या बंगलो या बृहद मकान खड़े रहते हैं। तो यह हमारा व्याकरण भी जो है इसका एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को लेकर के ही यह व्याकरण आगे बढ़ता है, तमाम शाखाएं निकलती हैं और इसका विस्तृत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि ग्रामर के तीन भाग हैं, यानी व्याकरण के मुख्य रूप से तीन भाग हैं या तीन सोपान हैं जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण व्याकरण को पढ़ते हैं। और वो तीन भाग हैं वर्ण ज्ञान, फोनोलॉजी, शब्द ज्ञान मॉर्फोलॉजी, वाक्य ज्ञान सिंटैक्स। ये संपूर्ण व्याकरण के यही तीन प्रमुख पिलर हैं, इसी पे हमारा व्याकरण जो है बहुत विस्तार रूप धारण करता है। तो इन तीनों में सबसे पहले हम वर्ण ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो वर्ण ज्ञान में हम देखते हैं कि वर्ण क्या चीज होता है, आखिर वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण को अगर हम परिभाषित करें तो कहा जा सकता है कि हमारे मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको फिर अलग अलग टुकड़े न किया जा सके या जिसका विखंडन न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा हो गई। अब वर्ण दो प्रकार के हैं, देखिए कैसे शाखाएं इसकी बढ़ती जा रही हैं। नंबर एक स्वर वर्ण, नंबर दो व्यंजन वर्ण। ये स्वर और व्यंजन वर्ण है। अब स्वर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि स्वर क्या चीज है। वर्ण का पहला भाग जो स्वर है ये कि आखिर होता क्या है। तो स्वर को हम परिभाषित करेंगे तो इस तरह से कहा जा सकता है, एक ऐसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से लिखा जा सके एवं उच्चरित किया जा सके, उसका उच्चारण किया जा सके, उसे स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हो गई। एकदम आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप एकाग्र होकर के हमारी एक एक बातों को सुने। अब व्यंजन पे हम आते हैं। देखिए व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है। स्वर कहता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें लिखने के लिए या हमें पढ़ने के लिए,
किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन कहता है अर्थात इसको अगर परिभाषित किया जाए तो व्यंजन वह वर्ण है जो स्वर वर्ण की सहायता से लिखा और पढ़ा जा सके। अर्थात व्यंजन को हमेशा स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, बिना स्वर वर्ण के इसको न हम लिख सकते हैं पूर्ण रूप से और न ही इसका हम उच्चारण पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों हमारी परिभाषाएं हो गई, दोनों को हमने आपको समझाने का अच्छी तरह से प्रयास किया है। अब स्वर क्या चीज है और व्यंजन क्या चीज है, ये कितने होते हैं और इनकी भी और ये इनकी कितनी शाखाएं हैं, किस तरह के कितने प्रकार के स्वर वर्ण हैं, कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 संपूर्ण स्वर वर्ण जो हैं इनकी संख्या 14। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में ये दीर्घ रि वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, इसकी संस्कृत भाषा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सामान्य रूप से हमें 13 वर्ण पढ़ाए गए। लेकिन हमें शुद्ध ज्ञान लेना है, आइए देखते हैं। इन 14 वर्णों में भी अलग अलग इनके रूप हैं, अलग अलग इनका प्रयोग है, अलग अलग इनका उच्चारण है। जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले वर्ग को हम अवर्ग बोलते हैं, दूसरे वर्ग को हम इवर्ग बोलते हैं, तीसरे वर्ग को उवर्ग और चौथे वर्ग को रिवर्ग बोलते हैं। यही 1, 2, 3 और 4 यही 4 वर्ग स्वरों के ऐसे हैं जिनमें लघु एवं दीर्घ होते हैं। जैसे अ आ, यह अ जो है आ का लघु रूप है और आ जो है अ का दीर्घ रूप है। उसी तरह से यह छोटी जैसे बोला जाता है ई का यह लघु रूप है और यह ई बड़ी जिसको कहते हैं इसका इस वर्ग का यह दीर्घ रूप है। उसी तरह से उ और ऊ है, रि और री है। अब आप कहेंगे लघु और दीर्घ कैसे हम जाने, तो लघु और दीर्घ को बहुत ही आसान तरीके से हम जान सकते हैं। उच्चारण के समय जितनी भी लघु स्वर होते हैं, जितनी भी लघु स्वर की मात्राएं हैं, उनको उच्चरित करते समय कम समय लिया जाता है उनका, जैसे अ, लेकिन जो दीर्घ होता है आ, जैसे हम लिखते हैं कमल लेकिन आम, यानी क म ल दोनों पर हमने समान लिया और कम समय लिया, लेकिन आ आम पर हम आ पे ज़्यादा समय लेते हैं, ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो जिस पे हम ज़्यादा होल्ड करते हैं वो बड़े स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं या दीर्घ मात्राएं होती हैं, जिनको हम दीर्घ मात्रा के आधे समय में जिनका उच्चारण करते हैं वो लघु होते हैं। उसी तरह से ये चारों वर्ग हैं। अब इसके बाद बचते हैं हमारे ए ए उ औ अंग अह। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये ए से लेकर के औ तक, यहां से लेकर के और यहां तक, 1, 2, 3 और 4 ये 4 स्वर जो हैं ये दीर्घ में आते हैं, ना ये लघु है ना ये दीर्घ है,
इनको दीर्घ मान लिया गया है। अब बचे हमारे दो स्वर, इन दोनों स्वर को न लघु माना गया है न दीर्घ माना गया है, इनका एक अलग नाम दिया गया है। इनका नाम क्या दिया गया है? अयोगवाह स्वर, अयोगवाह। इसमें अंग अह ये दोनों आते हैं। अब कहेंगे आपकी अयोगवाह क्या चीज होता है, तो अयोगवाह का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा स्वर वर्ण जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न तो पूर्ण रूप से व्यंजन है। अब देखिए, हमने लिया अंग को, हमने लिया अह को। अंग में देखिए किसका किसका मिश्रण है, और जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, और इसके ऊपर बिंदी को हम ङ बोलते हैं, अंग ङ भी बोलते हैं। ऊपर की बिंदियों को पंचाक्षर के जितने भी वर्ण हैं उनमें सबका उच्चारण होता रहता है शब्द के अनुसार। इस प्रकार न ये स्वर में है और न व्यंजन में है, तीन को अयोगवाह में रख दिया गया। ये दोनों में काम चलाते हैं। दूसरा है अह, अह में भी अ हम पहले पढ़ चुके हैं और दो बिंदी लगाने पर इसका उच्चारण ह होता है, तो इसलिए ये भी अयोगवाह में है। अब ये जो अंग है, हम जब शब्द लिखते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं, अह को अगर ले लें हम तो कुल मिलाकर के तीन भाग हो जाते हैं। जैसे नंबर एक में अनुस्वार, जिसको हम किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगा करके लिखते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर हम उसको बिंदी लगा कर लिखते हैं, जो बिंदु हम होती है ऐसे लिखते हैं। जैसे क के ऊपर हम लगा दिए तो कंग हो जाता है, अ के ऊपर लगा तो अंग हो गया। दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है कि किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्रमा का आकार उसके ऊपर एक बिंदी लगा दिया जाता है, उसे अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब ही है कि नासिका के द्वारा जिसका उच्चारण हो, यानी जिसकी उपस्थिति नासिका के द्वारा होती है, जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है वह अनुनासिक है। तो इसको हम किसी भी वर्ण पर लगाने पर उस वर्ण के ऊपर, जैसे अंग हो गया, अनुनासिक को हम क्या बोलते हैं, नाक में बोलते हैं। आ जैसे जहां, जहां चांद, जैसे हमने उसको यहां लिख दिया अंग, और ये क्या है, चांद। तो चांद को हम चंद नहीं बोलते हैं, चांद नहीं बोलते हैं, ये चा चा बोलते हैं, चाय और यह अनुनासिक है। तीसरा है विसर्ग, विसर्ग क्या है, दो बिंदियां हैं किसी भी वर्ण के अंतिम में ऊपर और नीचे क्रमशः दो बिंदी लगा दिया जाए। जैसे अह लिखा है, हम जब कोई शब्द में इसका प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं नृपः, यह संस्कृत का शब्द है, और आप लोग ये भी जान लीजिए कि विसर्ग हमेशा संस्कृत के शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं।
जैसे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ये दुख और ये दुख कौन से सही है? ये भी सही है और ये भी सही है। ये तत्सम शब्द है संस्कृत के, और जब इसको हम हिंदी बनाएंगे तो इसका विसर्ग समाप्त हो जाएगा। तो हमने स्वर के बारे में आपको बताया, अब हम अंतिम जो है ये सारी मात्राओं को बता दिया। ये जो हमने यहाँ पूरा गोले के अंदर कर दिया है बड़ी री को, तो इसलिए किया है कि ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में केवल छोटी री का प्रयोग होता है, इसलिए हम छोटी री पर ही विशेष फोकस करेंगे। आइए देखते हैं कि स्वर को तो हमने देख लिया, अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन सबसे पहले प्रमुख दो भागों में इनको हमने बांटा है। व्यंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श क्या चीज है? यह उच्चारण के वक्त स्पर्श का महत्व आता है। जब हम कोई वर्ण उच्चरित करते हैं तो हमारे मुख में जिह्वा का स्पर्श कहाँ कहाँ होता है, उसके अनुसार हम उसका उच्चारण करते हैं। इसलिए ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत लाया गया है, ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है श्वास के आधार पर। पहला स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास के आधार पर। श्वास यानी जब हम बोलते समय हमारे श्वास किस तरह से निकलते हैं, तो श्वास के आधार पर दो प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में हमारे श्वास कम निकलते हो, और नंबर दूसरा है महाप्राण का मतलब कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको उच्चरित करने में हमारे श्वास दीर्घ समय तक निकलते हो, इसलिए उनका महा दिया गया है, महाप्राण। तो ये आधार इनका है, दूसरा इनका आधार है। अब हम स्पर्श के आधार पर ही हमारा उच्चरित होते हैं सारे व्यंजन, और इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्पर्श के आधार पर हमने देखा कि स्पर्श में हमारी जिह्वा कहाँ कहाँ स्पर्श करती है और उसी के अनुसार हम उच्चारण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके हम विस्तार से सारे व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं क ख ग घ ङ च छ य य य त ठ ड ढ ड त ठ ड ध न प ठ ब भ म। आपने एक बात को गौर किया होगा कि जितने भी वर्णों को मैंने बोला है पूरा नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? आप जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्यों नहीं बोला? मैंने इसको पूरा क नहीं बोला है, क, क्योंकि जब हम विस्तृत ज्ञान स्वर व्यंजन का करते हैं तो परिभाषा में कहा गया है कि व्यंजन
बिना स्वर के न शुद्ध रूप से उच्चरित हो सकता है न लिखा जा सकता है। इसलिए हमने क ख ग यानी पूर्ण नहीं है क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है, तो इसको हम शुद्ध व्यंजन बोलते हैं। जब शुद्ध व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग आ जाता है तो पूर्ण रूप से उसका उच्चारण होता है। इसलिए हमने सारे पर हलंत लगाया है। अब देखते हैं ये स्पर्श व्यंजन में पहला जो होता है नंबर एक, ये कवर्ग होता है। इसका नाम दिया गया है कवर्ग, दूसरे का नाम दिया है चवर्ग, और तीसरे का नाम दिया गया है टवर्ग। चौथे का नाम दिया गया है तवर्ग और पांचवे का नाम दिया गया है पवर्ग। इस तरह से इनको हमने देखा, इधर पांच पांच वर्ण है और इधर भी पांच भाग है इसके, कवर्ण चवर्ण टवर्ण तवर्ण और पवर्ण, पांच लाइनें हैं और इधर सब में पांच पांच है, केवल टवर्ग में दो बढ़ जा रहे हैं। टवर्ग में दो वर्ण बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जब हम हिंदी लिखते हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है, मात्र हिंदी भाषा में। इसलिए टवर्ग में कुल मिलाकर के सात वर्ण होते हैं। अब कहेंगे कि आपकी ये टवर्ग में जो है ये डॉबी यहाँ आया है, ढबी आया है, फिर आप इसको दोहरा दिया क्यों? क्योंकि इसके नीचे बिंदी आया है। तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? द्विगुण, द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके अंदर दोहरे गुण है। ये दो तरह से हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं। जब इनको बिना बिंदु के हम लिखते हैं, जब हम बिना बिंदु के लिखेंगे तो ये ड पढ़ा जाएगा, जब हम इस पर बिंदु लगा देते हैं तो ड हो जाता है, यानी इसके अंदर दोहरे गुण है र ड। उसी तरह से यहाँ ढ है, जब इसके नीचे हम बिंदु लगा देते हैं तो यहाँ हम इसको ढ पढ़ते हैं, यहाँ इसको ढ पढ़ते हैं। तो इन दोनों वर्णों को द्विगुण वर्ण कहा जाता है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पांच की लाइन और ये पांच वर्ग, कुल 25 वर्ण और ये दो वर्ण 27 वर्ण, ये सारे हमारे क्या है? स्वर्स हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुंह के अंदर किसी न किसी अंग का स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ग कहा गया है। स्पर्श वर्ग के ये व्यंजन है। अब इनमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत बारीक चीज है। इस स्पर्श व्यंजन में पंचाक्षर मैंने क्यों इसको उच्चरित किया, इसका उच्चारण पंचाक्षर में क्यों किया? क्योंकि हर वर्ग के पांचवें स्थान पर एक अक्षर है, एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार और पांच, यानी सारे पंचाक्षर इसलिए कहे गए हैं कि पांचवें स्थान पर आते हैं। तो पांचवें स्थान पर आने वाले को पंचाक्षर, इसी तरह से प्रथम वाले स्थान पर आने प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचाक्षर, इनका नाम दिया गया है। अब ये पंचाक्षर जितने भी हैं इनका किसी भी शब्द को प्रयोग करने में लगभग मिलता जुलता उच्चारण होता है,
जैसे ङ है, ञ है, ण है, न है, म है। तो अब हम देखते हैं, इनको स्पष्ट करते हैं कैसे इनका प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं अंग, ये हमारे वर्तमान प्रमाणिक हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसको हम संस्कृत में लिखते थे या पहले लिखते थे यूं, अंग का अंग। तो ये न की अंग की मात्रा नाक में आया, ये यहाँ है। अब हम लिखते हैं पंच, तो इसलिए इनका भी नौ आकार है। अब हम इस पे आते हैं, हम लिखते हैं दंड पांडव, यहां पे भी ये नौ का आकार आ रहा है। अब इसको लेते हैं हम पंकज, पंकज ये भी नौ नाक में बोला जा रहा है, नौ का आकार आ रहा है। अब इस पर हम लेते हैं एक शब्द पंकज के बाद हम लेते हैं संबंध, संबंध, हम संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो संबंध लिखते समय हम सम इसका आकार आ रहा है, बन इसका आकार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पंचाक्षर सब जो हैं लगभग य न अंक का उच्चारण करते हैं। कुछ लोग इसको ळ पढ़ते हैं, जब भी कोई शब्द आता है तो ये ळ नहीं है, आगे हम चल के बताएंगे। स्पर्श व्यंजन का हमने बड़े बारीकी से अध्ययन किया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। हमारे जो व्यंजन हैं उसमें कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, वो हैं य, र, ल, व। जब इसका हम पूरा स्वर के साथ उच्चारण करते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ का मतलब होता है कि हृदय से आवाज आती है, मन से आवाज आती है। य यानी गले के अंदर से और नीचे से हमारे हृदय से आवाज आ रही है, र, ल, व, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ ही है कि ऊष्मा, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर, उच्चारण करने पर हमारे मुख से ऊष्मा आए, तो ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। अगर इसको हम पूर्ण रूप से बोलते तो श, श, यानी हम इतना श्वास छोड़ते हैं जैसे लगता है कि हमारे गले से कुछ ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये इस तरह से ऊष्म व्यंजन है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त व्यंजन, इनका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। दो दो व्यंजन से मिलकर के ये सारे व्यंजन बने हैं। जैसे अब हम आपको बताएंगे छ कैसे बना। तो छ बना है व्यंजन क और व्यंजन श। इसका उच्चारण क्ष भी होता है, क्ष, कक्षा, लेकिन थोड़ा सा इसमें विकार लेकर के लोग कक्षा बोल देते हैं, कुछ लोग तो कक्षा भी बोल देते हैं। कक्षा और कक्षा में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, यही बारीकियाँ आपके काम आएंगी जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे। छ हो गया, त्र, त्र क्या बना है, त और र से।
अब हम आते हैं ज्ञ पर। ज्ञ किससे बना है? ज, ज और य, ज और य, ज्ञ। और अंतिम हमारा स्र। ये स्र कैसे बना है? श और र। इस तरह से ये चारों संयुक्त व्यंजन हमारे दो दो व्यंजनों के मिश्रण से बने हैं। इनका नाम यूं ही नहीं संयुक्त व्यंजन रखा गया है। आप इसको बड़े बारीकी से मार्क करिएगा। तो इस तरह से हमने सारे व्यंजन के ऊपर चर्चा किया। स्वर और व्यंजन, इन दोनों वर्णों पे हमने बहुत ही सुंदर ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया है। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लाता हूँ तो उसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ, और उस प्रश्नों का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। उनके अंदर क्या संशय है, क्या शंका है, क्या डाउट है, कहाँ पे परेशानी है, सारे सवालों का हम जवाब देते हैं। तो इसलिए चलिए हम अंत में कुछ आपको प्रश्न दे देते हैं, नोट कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है कि व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन वर्ण में पंचाक्षर वर्ण कौन कौन से हैं। तीसरा है, आयोग वाह स्वर के कितने भाग हैं। और चौथा है, संयुक्त व्यंजन में जो चारों वर्ण हैं इनका आपको विखंडन करके बताना है किन किन वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा पहला भाग समाप्त हो रहा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अगली वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।